गाइज आज हम ऐसा लोगो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल एप्लीकेशन ओपन करना है। तो गाइज सबसे पहले आपको प्लस वाला आइकन पर जाके आपको फ्रॉम गैलरी पर जाके आपको शील्ड ऐड करनी है। शील्ड की लिंक में गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको आपको अच्छी तरीके से मिडल में एडजस्ट करना है रिलेटिव पोजिशन पर जाके, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको कैरेक्टर का जो लोगो है उसको ऐड करना है। आपके पास अच्छे कैरेक्टर नहीं तो गाइज टेंशन मत लो, वीडियो आई बटन पर मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो गाइज ये वाला आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है एक बार, ठीक है। फिर लेयर पे जाके लॉक कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको टेस्ट पे जाना है और आपका जो गेमिंग का जो टेक्स्ट है उसको आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जोकर लिख के यहाँ पे कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। फिर आपको पेंडिंग वाले सेक्शन पे जाना है और लेफ्ट पेंडिंग और राइट पेंडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अच्छा सा फॉन्ट देना है। गाइज आपके पास अच्छे फॉन्ट नहीं तो गाइज बहुत सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से फॉन्ट का पैक आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता हो, ठीक है। फिर इसको आपको यहाँ पे ऐसा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ठीक से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रेनेड पे जाना है, फिर आपको ये वाला ग्रेनेड क्रिएट करना है आपको, ठीक है। एक ग्रे कलर का, एक वाइट कलर का, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे जाके लॉक करना है। फिर आपको प्लस वाला आइकन पे जाके शेप लेना है, ठीक है। फिर शेप को आपको ब्लैक कलर दे देना है इस तरीके से। फिर आपको जो लेयर पे जाके आपको जोकर का जो टेक्स्ट है उसको नीचे लेके आना है इस तरीके से, ठीक है। ये होने के बाद गाइज आपको यहाँ पे नीचे एडजस्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पे देख लेना गाइज, इस तरीके से आपको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद लेयर पे जाके उसको लॉक करना। फिर आपको और एक गाइज शेप ले लेना है और शेप को आपको स्काई ब्लू कलर दे देना है इस तरीके से। उसके बाद गाइज इसको आपको रोटेट करके आपको साइज थोड़ा सा डिक्रीज करनी है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपको ऐसा रोटेट करके लगा देना है। फिर आपको यहाँ पे कॉपी करना है इसका शेप का, ऐसे कॉपी करना। फिर आपको यहाँ पे ऐसा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगाने के बाद गाइज आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको जो मैं जो टिक कर रहा हूँ वैसे आपको करना है और यहाँ पे आपको मर्ज डाउन कर लेना है, ठीक है। ऐसा ओके करने के बाद मर्ज होगा। फिर आपको इरेजर वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर इसको इरेज वाला ऑप्शन पे एनेबल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको स्काई ब्लू उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेना है। फिर गाइज उस टेस्ट को आपने जो किया था इरेज उसको आपको लेयर पे जाके लॉक करना है, ठीक है। फिर से एक बार गाइज आपको लेयर पे जाना है और उसको मर्ज करना है, यहाँ पे क्लिक करके उसी प्रोसेस करके आपको मर्ज डाउन करना है लोगों को, ठीक है। फिर ओके करना है। ओके करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको स्ट्रोक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आपको एनेबल कर लेना है, ठीक है। इसको वाइट कलर देना है और 4x3% रखना है। फिर आपको शेडोज़ को इनेबल करना है, ब्लर रेडियस को आपको 100% करना है, ठीक है, फुल करना है। और आपको ब्लैक कलर का शेडोज़ करना है। फिर लेयर पे जाके उसको भी लॉक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको कलर पे जाना है, ठीक है। फिर प्लस वाला आइकन पे जाके यहाँ पे क्लिक करके हमने जो यहाँ पे लोगो जो पर्पल कलर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर लेना है यहाँ से, ठीक है। फिर आपको बैकग्राउंड को पर्पल कलर ऐड हो चुका, ठीक है। फिर आपको प्लस वाला आइकन पे जाके शेप लेना है और उसको आपको ब्लैक कलर दे देना है, ठीक है। फिर इसको रोटेट करके इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। फिर टू बैक करना है, यहाँ से आपको टू बैक कर लेना है, ठीक है। फिर इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। ये होने के बाद लेयर पे जाके लॉक करना, ठीक है। उसके बाद गाइस जो कैरेक्टर का लोगो है उसको भी ऐड करना है। सभी की लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर इसको इंक्रीज करके साइज इंक्रीज करके आपको यहाँ पर लगाना है। फिर से टू बैक कर लेना है। फिर ऑक्यूपेंसी आपको 30x20% के आसपास रख देना, ठीक है। तो गाइज हमारा लोगो बन के रेडी हो चुका है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना।